नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद LJPRV के सांसद चिराग पासवान अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान शुरू से ही बिहार को आगे बढ़ाने को लेकर के अग्रसर हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती चुनाव प्रचार में ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था, जो कि आपको याद भी होगा। और अब वो वक्त आ गया है जब चिराग पासवान बिहार के लिए कुछ करें, और इसीलिए वो बिहार को ध्यान में रखकर आने वाले दिनों में कई बड़े निर्णय ले सकते हैं। पार्टी के सांसदों की माने तो केला, आम, लीची, मक्का, मखाना और आलू उद्योग से जुड़े लोगों को इससे बहुत फायदा मिलने जा रहा है। सांसदों की माने तो आने वाले दिनों में बिहार में कई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगने जा रहा है। इसके लिए रोड मैप भी पूरा तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने ये बोला भी था कि इस मंत्रालय में बहुत सारी संभावनाएं हैं और आने वाले दिनों में बिहार में फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां होंगी, फैक्ट्रियों का जाल बिछा देंगे। चिराग पासवान ने शुरू से ही उद्योगों को लेकर के वो कई बार वो बात करते नजर आते हैं, बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है इसे लेकर के वो बात करते नजर आते हैं। और अब क्योंकि वो सांसद हैं तो उन्होंने आगे के रोड मैप को लेकर के बात करना और किस तरीके से आगे इसे इम्प्लीमेंट किया जाए इसको लेकर के पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी है। चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि आने वाले दिनों में फूड प्रोसेसिंग की भूमिका अहम होने वाली है। मैं अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा हूं, खासकर मेगा फूड पॉक्स और कोल्ड चेन AFP एंड प्री रिजर्वेशन और कैपेसिटी, इसके साथ ही एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इंश्योरेंस और इसके साथ ही ऑपरेशन ग्रीन जैसे मंत्रालय की पहले की योजनाओं को आम जनता तक ले जाने का प्रयास करूंगा, चिराग पासवान की तरफ से कहा गया। साथ ही जरूरत पड़ी तो कुछ नई स्कीम की भी शुरुआत की जा सकती है, की जाएगी। तो चिराग पासवान की इन सभी रोड मैप को देखकर क्या आप समझ रहे होंगे कि आने वाले वक्त में बिहार का विकास किस रफ्तार से होगा। बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में बिहार के 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें 3 मंत्रालय ऐसे हैं जो सीधे तौर पर खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, खासकर खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य, डेयरी और सूक्ष्म और छोटे उद्योग का जो क्षेत्र है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह और जीतन राम मांझी को बिहार कोटे से कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। ऐसे में इन मंत्रालयों के तरफ से आने वाले दिनों में बिहार के लोगों को रोजगार के नए नए अवसर मिल सकते हैं। तो अब क्योंकि 3 मिनिस्टर हमारे बिहार से कैबिनेट में हैं, तो आने वाले वक्त में बिहार के युवाओं के लिए रोजगार की कमी नहीं होगी और उन्हें जल्द से जल्द बहुत सारे रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा ने भी कहा था कि बिहार में किसानों को कृषि उत्पादों की अच्छी कीमत नहीं मिलती है, जिससे काफ़ी समस्या भी होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भारी कमी है। अब हमारे नेता, क्योंकि चिराग पासवान इसके मंत्रालय को संभाल रहे हैं, तो उनका पूरा प्रयास है कि आने वाले दिनों में आम, लीची, मक्का और आलू प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े फैक्ट्रियां लगकर बिहार के सभी जिलों के लोगों को इसके फायदा मिले, रोजगार मिले, जिससे कि जो सबसे बड़ी शिकायत बिहार के लोगों की है, बिहार के युवाओं की है कि रोजगार की कमी है। तो अब रोजगार बड़े पैमाने पर हो, युवाओं को रोजगार मिले, पलायन की स्थिति कम हो, इसको लेकर के अब चिराग पासवान अग्रसर नजर आ रहे हैं और जो मंत्रालय उन्हें मिला है उसमें वो उसकी तैयारी वो शुरू कर चुके हैं कि किस तरीके से आगे इसे बढ़ाया जाए और साथ ही बिहार के लोगों को इसका कितना फायदा मिले इसको लेकर के पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और भी सही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।